सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ शामिल करनी है वो आपने बाजार से मिलने वाला टिक्का मसाला जो है वो आपने इसमें एक छोटा पैकेट ले लेना है। इसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें शामिल होती हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में नमक वगैरह शामिल होता है। इसके अलावा हम घर से भी इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे, जितनी जितनी ऐड करनी है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। टिक्का मसाला पाउडर को आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। इसके बाद जो मेन चीज है बीफ बनाने के लिए वो कचरी पाउडर है, वो आपने दो बड़े खाने के चमचे लेने हैं, वो इसके अंदर ऐड करने हैं। कचरी पाउडर जो है इसको गलाने के काम आएगा। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी दो बड़े खाने के चमचे आपने इस तरह इसका पेस्ट बना लेना है, ये शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसके बाद आपने नमक डालना है। नमक सिर्फ एक टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऐड करना है, 2 किलो बीफ के अंदर सिर्फ एक टेबलस्पून। उसके अलावा दड़ा मिर्च चाहिए, एक खाने का चम्मच आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद लाल मिर्च ये भी एक टेबलस्पून टीस्पून आपने डालना है, टेबलस्पून नहीं टीस्पून लाल मिर्च आपने एक टीस्पून इसके अंदर डालनी है। खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है। काली मिर्च 1 टेबल टीस्पून आपने इसके अंदर डालनी है। और आपने इसके अंदर घी जो है वो तकरीबन 2 बड़े खाने के चमचे इसके अंदर ऐड करने हैं। घी आपने ऐड करना है, ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं करना। इसका घी का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये तमाम चीजों को इसके अंदर पेस्ट करने के काम आएगा। और आपको लहदा से जब बारबेक्यू कर रहे होंगे तो इसको लहदा से लगाना भी नहीं पड़ेगा। एंड के ऊपर आपने लेमन जो है वो आपने 3 खाने के चमचे उसका रस निकाल के वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। तमाम मसाले शामिल करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सबसे आखिर में इसको बारबेक्यू को खूबसूरती देने के लिए हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, जो कि मैं पहले आपको बताना भूल गया था। ये आपने बिल्कुल एंड के ऊपर कोई सा भी येलो कलर, रेड कलर या कोई भी कलर हो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने अच्छी तरह का मकसद ये है कि अच्छी तरह यानी तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने उन तमाम मसालों को और आखिर में फूड कलर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि बोटियों की हालत ऐसी हो जाए, अच्छी तरह मसाला सब के अंदर अच्छा से। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने 3 घंटे के लिए कम से कम इसको फ्रिज के अंदर रख देना है ताकि तमाम मसाले मैरिनेट हो जाएं, अच्छी तरह इसके अंदर शामिल हो जाएं। फ्रिज में रखने का ये है कि मसाले जो हैं वो साथ इसके साथ चिपक जाएंगे। वो आपने 3 घंटे के लिए कम से कम इसको फ्रिज के अंदर रखना है बारबेक्यू करने से पहले, क्योंकि 3 घंटे मैरिनेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमने कचरी पाउडर लगाया हुआ है इसको गलाने के लिए जो काम आएगा वो भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे 3 घंटे इसको मैरिनेशन को पूरे हो गए हैं। अब हम इन रोटियों को सीखों के ऊपर प्रो के बारबेक्यू शुरू करेंगे इंशाल्लाह।
रहीम। ये जी हम सीधे अब बारबेक्यू में ऊपर रख रहे हैं। ये सारे बच्चे सालगिरह के लिए तैयार खड़े हैं। उतार रहे हैं हॉटपॉट के अंदर। अब केक के साथ इसको रख के खाएंगे।